तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। उन रैलियों में धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और प्रचार के दौरान ही विपक्षी दलों यानी कि सामने वाले दल पर प्रहार भी किया जा रहा है और नेताओं पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के कटाक्ष और इस तरीके के प्रहार किसके सफल साबित होते नजर आएंगे और जनता किनकी बातों पर विश्वास करती नजर आएगी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रितु चौधरी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अभी आप सुन रहे होंगे राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 10 साल होने को हैं, कहां पर 20 करोड़ रोजगार आपने दिए हैं, महंगाई को लेकर के बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं केंद्र की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। राहुल गांधी राजस्थान में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का हक छीनना चाह रही है, ओपीएस छीनना चाह रही है, गैस सिलेंडर जो सस्ते दामों में कांग्रेस देना चाहती है वो हक छीनना चाह रही है। तो जनता किस तरीके है और किन बातों पर आप पे विश्वास करें? पांडे जी नमस्कार। और अपनी शुरुआत में करते हुए बताता हूँ कि आज अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं थोड़ा सा मीडिया की विभिन्न झलकियों को देख रहा था, तो एक चीज पे मेरी नजर पड़ी। उसमें उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं या पेपर लीक की दुकान। हर साल औसतन 3 पेपर लीक होता है और 19 पेपर लीक हो चुके। अगर प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखकर की अपनी नीतियां बनाए होते तो इनको आज ये छिछोरी और छिछली बातें नहीं करनी पड़ती। अगर देखा जाए तो 19 परीक्षाएं हुई राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, गहलोत जी की सरकार आई है, और 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं। 5 साल में भर्तियां या तो हुई नहीं और जो हुई वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। तो अब युवा जो आ रहे हैं, जिनको आप प्रभावित करने की का प्रयास कर रहे हैं आरोप लगा करके, ये सुनहरी और ये रंगीली लच्छेदार बातें कर करके, और कुछ बातें तथ्यहीन हैं, तो क्या वो युवा मूर्ख हैं जो इन बातों को कह रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं विभिन्न मीडिया चैनलों पे माध्यमों से? ये राजस्थान के युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद होता है सर, देखिए सारी बातें सही हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है सुरक्षा की बात। अगर आप सुरक्षित नहीं हैं, अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं, अपने शहर में सुरक्षित नहीं, अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो आप कहाँ सुरक्षित होंगे? इस बार तो राजस्थान की 5 वर्षीय सरकार ने कमाल ही कर दिया। जो परिपाटी अभी तक हमारे देश में कहीं सुनी नहीं गई वो शुरू हो गई। एक नया इतिहास लिखा गया कि चाकू से, और वो जो तालिबानी मानसिकता वाली बातें हैं वो तक कह दी जाती हैं, वो तो इम्प्लीमेंट कर दी गई, इसमें कोई सो शक नहीं है, वो हुआ आज सारा देश जानता है। और फिर आती है कि देखिए हर साल चुनाव में युवाओं को टारगेट करके उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बातें की जाती हैं। बीते 5 वर्षों में जो बच्चे 12 वर्ष के थे या 14 वर्ष के थे, जो 18 पार कर चुके हैं, जो प्रथम बार मतदाता हैं, क्या उनके मनस्थिति ऐसी होगी क्योंकि कांग्रेस को वोट करेंगे? राहुल जी दुनिया भर घूमते फिरते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आप ये बताइए भाई साहब, क्या हमको माँ से मोहब्बत पैसा दे के खरीदनी पड़ेगी? माँ का तो प्यार निस्वार्थ होता है ना अपनी संतानों के लिए। तो आप जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं ना, दुकान उकान नहीं चलती। प्यार सम्मान जो है आत्म से आता है, स्व से आता है, अपने संस्कारों से आता है। ये दुकानों में अगर आप प्यार बांटने चलेंगे, प्यार बेचने चलेंगे, तो इस देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको नकार देगी और यही हश्र होने वाला है। चुनावी मौसम होता है तो तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी इस देश में। यहाँ पे सम्मान स्वतः किया जाता है और स्वतः मिलता है, अपने कर्मों से मिलता है, अपने कार्यों से मिलता है, अपने संस्कारों से मिलता है। तो ये जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी लेके निकले हैं राजस्थान में बेचने के लिए, वो मुझे नहीं लगता कि वो सफल होने वाली है। बाकी मित्र हैं, बाकी ज्ञाता सारे हैं, वो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन ये मेरे भी विचार हैं, हमारे पार्टी के विचार हैं। आपके मुताबिक जो मोहब्बत की दुकान में जो प्रोडक्ट है वो बिकने वाला नहीं है राजस्थान में। रितु चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि मोहब्बत की दुकान तो आप खोल रही हैं और उस दुकान को आप राजस्थान में सजाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पाएंगे, जनता खरीदेगी नहीं। देखिए पूरे देश में आपने देखा इतनी मार खाई नफरत के कारोबार जो है, उन्होंने हर क्षेत्र में जहां जहां पर इन्होंने, अभी कर्नाटक गए थे वहां पर मार खा के आए, हिमाचल गए वहां पर मार खा के आए, अभी 5 राज्यों में फिर से हारने वाले हैं।
तो ये जो बौखलाहट है ना, ये बौखलाहट बोल रही थी कि मोहब्बत की दुकान चल रही थी। मोहब्बत की दुकान तो बहुत धड़ल्ले से चल रही है सर। मोहब्बत की दुकान चल रही है तभी तो आप बौखलाए बौखलाए फिर रहे हैं, तभी तो आप रैलियों में जो है आर्ट भाषण दे रहे हैं। आपके पास काम, आपने कुछ किया नहीं है। काम के बल पर आप वोट करने के लिए कुछ है नहीं। जनता आपको हंड्रेड परसेंट नकार रही है। रैलियों में जो है पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आपके खुद के नेता जो है रैलियां कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि जनता नहीं है वहां पर। ये सब इसी बात के संकेत है कि जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है। आपका जो नफरत का मॉडल है उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। यही कारण है अब केवल और केवल राहुल गांधी का मोहब्बत का मॉडल चलेगा और हर प्रदेश में जो है मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। राजस्थान में और धड़ल्ले से मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। रितु जी, लेकिन मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है, जनता को जो सामान बेचा जा रहा है उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगाकर, इतनी महंगाई की बात आप करती हैं और वही महंगा सामान आप बेच रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी जनसभा में आज गिनाया कि राजस्थान से जितने सटे हुए प्रदेश हैं वहां पर पेट्रोल के रेट 8 से 10 रुपए 12 रुपए सस्ते हैं, राजस्थान में इतना ही 8 से 10 रुपए 12 रुपए पेट्रोल के दाम महंगे मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, जनता पर इतना भारी बोझ क्यों दिया जा रहा राजस्थान में, ये बीजेपी पूछ रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी ही मुझे ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बात करते कि जहां पे सब जगह जो है 1250 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है वहां पे राजस्थान में 500 रुपए का मिल रहा है और अभी हमारी सरकार आने दीजिए वहां पे 400 का भी मिलेगा। और ये इसमें जिसे पेट्रोल की बात कर रहे हैं ये पेट्रोल ये पूरे प्रदेश जो है ये क्या भारत से अलग है और सेंट्रल में सरकार किसकी है। ये तो जनता को मूर्ख बनाने का केवल काम जो है नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं हमेशा से। लेकिन अब जनता ये बात समझ चुकी है कि केवल प्रधानमंत्री जी केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और जनता को लूटने के लिए तमाम तरह के ऊल जलूल जो है अपने बयान देते हैं। उनके दिमाग दिलों के दिमाग में केवल एक ही शख्स है, वो है अडानी। उसका केवल उसी का फायदा, उसी का विकास, उसके अलावा जनता से कोई लेना देना प्रधानमंत्री जी का रहा नहीं। तो इस तरह के जो जो कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान सरकार ने चलाई, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपये पर ईयर देने का वादा हो, चाहे वो जो है अपना सस्ता सिलेंडर हो, चाहे बच्चों को लैपटॉप देने की और टैबलेट देने की बात हो, चाहे जो है हर गांव में हर जिले में इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, तो ये केवल और केवल राजस्थान सरकार कर रही है। वो ये जनता के कल्याणकारी काम है, उन पर जवाब देने के लिए मोदी जी या उनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, 4 दिन बचे हुए हैं मतदान होने के लिए, क्या कुछ समीकरण आपको समझ में आ रहा है फिलहाल? सुनील कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, यही चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 4 दिन बचे हुए मतदान को राजस्थान का अगर सियासी समीकरण का हम देखें तो क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है, वहां पर क्या उलट फेर नजर आ रहा है? 4 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, चुनाव में क्या होता है मिनट टू मिनट का बहुत टाइम का बहुत सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। देखिए जो चुनाव राजस्थान में है, राजस्थान में हमेशा जो है उलट फेर की सरकार रही है। 5 साल अगर सत्ता पक्ष रहा विपक्ष का, फिर 5 साल फिर सत्ता पक्ष रहा। अगर वहां सरकार रिपीट होती है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा 2024 को लेकर, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों के चुनाव में ये 3 राज्य जो है वो लोकसभा के चुनाव के बहुत महत्व राज्य हो जाएंगे। और जो अभी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, एनडीए गठबंधन में स्थिति ये आएगी कि फूट मचेगी और सारे लोग चाहेंगे कि हम इंडिया गठबंधन में जाके जुड़े। लेकिन इसके विपरीत अगर इन 3 राज्यों में सरकार नहीं बनती है तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह भी फूट पड़ा है, चाहे अखिलेश जी हो या विधानसभा के चुनाव में अन्य पार्टियां जो जो अपने अपने सीटों पर लड़ा रहे हैं, तो स्थिति अगर ऐसी रही, अगर सरकार नहीं बना, कांग्रेस का दबदबा कायम नहीं रह पाया राजस्थान में, तो स्थिति कुछ और होगी, क्योंकि सारी पार्टियां अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का क्या होगा वो कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
क्योंकि अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की है वो स्थिति मध्य प्रदेश और कांग्रेस में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शायद कांग्रेस की है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी घोषणा कर दिए, बिहार की स्थिति वही है, ममता जी की वही स्थिति है, दिल्ली और पंजाब की भी स्थिति वही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन तीन राज्यों के चुनाव पर 2024 का चुनाव डिपेंड है। अगर तीन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अगर कुछ अच्छा कर पाती है तो उसमें बेशक कोई शक नहीं है कि 2024 में कांग्रेस के अगुवाई में गठबंधन, जो इंडिया दल का गठबंधन है, वो लड़ेगा। लेकिन अगर इन तीन राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं रहा तो इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का अपना अगुवा मानने को मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सारे दल के लोग जो अपने अपने पार्टी के दल के लोग हैं वो शायद अकेले लड़ने को तैयार हो जाए और कुछ लोग एनडीए में भी जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इन राज्यों के जो चुनाव नतीजे आएंगे उनका असर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा क्यों इस बार, ये क्या कुछ खास है? इसके पहले भी चुनाव होते रहे राज्यों में और उनके जो परिणाम आए वो बहुत ज्यादा, जब आम चुनाव हुए, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उनमें उलट फेर करते हुए नजर नहीं आए वो आंकड़े, इस बार ऐसा क्या कुछ खास नजर आ रहा है? पहले जो चुनाव देश में होते थे वो सत्ता पक्ष को हटाने के लिए होता था, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का हो, 4 का हो, 9 का, कोई भी आप चुनाव देख लीजिए। लोकसभा की स्थिति, देश की बात मैं करता हूँ, तो देश में जो विपक्ष होता है, विपक्ष ये कहता है कि सत्ता हटाओ, सत्ता गलत कर रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए आम है कि यहाँ सत्ता से लोगों को दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है मोदी को, पर्सनल टारगेट हो रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो अगर ये लोग मोदी को हटाने में सफल हो गए तो उसके लिए इन तीन राज्यों, जो बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, उत्तर भारत के, उनमें इनको अपना एक तरह से टेलर दिखाना पड़ेगा कि मैं देश चला सकता हूं, हमारा गठबंधन अच्छा गठबंधन है और हम कांग्रेस के अगुवाई में लड़ने को तैयार हैं। क्योंकि यहां मोदी हटाओ का कार्यक्रम चला रहा है इंडिया गठबंधन, अगर सत्ता पक्ष को हटाने का कार्यक्रम करता तो शायद स्थिति कुछ और होती। जी ठीक बात, यहां पर आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है लेकिन सबसे जो उसमें अहम बात आ रही है वो नरेंद्र मोदी को हटाने की बात आ रही है। सुनील कौशिक की आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। राघवेंद्र द्विवेदी जी ने दो बातें कही, एक तो उन्होंने कहा कि इन जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पांच राज्यों के नतीजे जो आएंगे वो आने वाले लोकसभा के चुनाव में असर डालेंगे। दूसरी उन्होंने बड़ी बात ये कही कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस सफल होती है तो आने वाले समय में जो एनडीए के साथ जो घटक दल जुड़े हुए हैं वो भगदड़ उनमें देखने को मिलेगी और वो इंडिया के साथ आएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यहां से थोड़ा सा इतर जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस इन राज्यों में सफल होती है तो क्या आम चुनाव में इंडिया गठबंधन रहेगा क्या? मुझे तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि राज्यों का उन्होंने, द्विवेदी जी ने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, हम पंजाब का भी जिक्र कर लेते हैं। ऐसे इन राज्यों में आप चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज करने वाली होगी इन तीन राज्यों में अच्छी स्थिति बनने के बाद। 2018 में इन पांच राज्यों में, तीन राज्यों में बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। 2019 में मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव इन राज्यों में पड़ा हो। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लगभग एक एक सीट छोड़ के सारी सीटें बीजेपी को मिली, छत्तीसगढ़ में दो सीटें छोड़ के मिली बीजेपी को। तो ये मैं थोड़ा सा इतर समझता हूँ क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा सा बदला है, लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में बहुत अंतर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय मुद्दे कुछ अलग हैं और प्रदेश के मुद्दे कुछ अलग हैं, लेकिन बार बार बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को ले जाकर के चुनाव प्रदेशों में लड़ती आ रही है और लड़ती रही है। देखो तो महत्वपूर्ण ये है कि आप देखेंगे पूरे राजस्थान के चुनाव में, क्योंकि मैं 2013 में भी गया, 2018 में भी गया, 2008 में भी गया। देखो उदयपुर बांसवाड़ा संभाग है, वहां 27 लगभग सीटें हैं और वह आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, हमेशा वहां कांग्रेस मजबूत रही है। बीजेपी का उसमें बहुत ज्यादा दखल नहीं रहा, या बीजेपी का कहें कि बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली। इस बार आप देखेंगे कि बागड़ क्षेत्र में एक नए संगठन का उदय किया, मुझे लगता है कि बीजेपी का ही पीछे कुछ हाथ हो सकता है, कि भारत आदिवासी पार्टी और एक पहले से ही चलती है बीटीपी, दोनों पार्टी जो है वो बागीदौरा, सांगवाड़ा, घाटौल, कुशलगढ़, डूंगरपुर,
इन सब चीजों को, इन सब क्षेत्रों को आप देखेंगे तो लगभग 27 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी जिसको चाहते हैं उसी को जिताते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हरा देते हैं। यदि 2018 के समीकरण की बात करेंगे तो कांग्रेस को 99, बीजेपी को 73, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और यदि 2013 में जाकर के आप चले जाएंगे तो वहीं बीजेपी को बंपर सीटें मिली थी 163 सीटें 199 में से, और कांग्रेस केवल 21 सीटें ला पाई थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2013 में बीएसपी 3 और निर्दलीय 9 सीटें थी, वहीं 2018 में ये सीटें बढ़ गई, निर्दलीय को 13 हुई और बीएसपी को 6 हुई। तो अब इनकी समीक्षा करें तो जो उदयपुर बांसवाड़ा संभाग जो है, यदि वहां नए राजनीतिक संगठन का गठन होता है और बीटीपी पहले से पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जहां दलितों की पार्टी कही जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि एससी 14% है, छोटे मोटी संख्या नहीं है एससी की, एसटी जरूर ज्यादा है राजस्थान में 18% है और ओबीसी 40% के आसपास है, तो ओबीसी का तो बीजेपी को वोट मिल रहा है। इस बार की लड़ाई जो मैं देख रहा हूं इस बार एसटी और एससी सीटों पर है, जहां बहुजन समाज पार्टी पहले के अपेक्षा ज्यादा सीट लड़ी है। बहुजन समाज पार्टी, बीटीपी और भारतीय आदिवासी पार्टी जो बनी है, यदि कहीं कटौती कर लेती है तो निश्चित तौर से इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। और सत्ता के बहुत नजदीक जहां 99 सीटें थी बीजेपी को 73 सीटें थी, और मुझे लगता है 10 या 15 सीटें भी 27 सीटों में से यदि प्रभाव बीजेपी ने छोटे राजनीतिक दलों के माध्यम से डाल दिया तो निश्चित तौर से बीजेपी नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी? क्योंकि जो एससी एसटी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वोट बैंक आमतौर पर कांग्रेस के पास था बहुजन समाजवादी पार्टी से पहले, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जब ये कोर वोट बैंक आया, स्थिति मजबूत रही बहुजन समाजवादी पार्टी की, तब तक तो साथ में नजर आया, लेकिन अब बीएसपी क्या उस स्टैंड पर खड़ी हो, वो स्टैंड ले पा रही है, वहां पर खड़ी नजर आ रही है, और इन लोगों को बीएसपी पर विश्वास अभी भी है क्या कि नहीं, एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती आ सकती हैं और वो उनका उद्धार कर सकती हैं, कुछ कर सकती हैं उनके लिए, ऐसा कुछ नजर आ रहा अभी नहीं? योगेश जी, यही तो मैंने कहा कि इन क्षेत्रों में जो नए राजनीतिक संगठन का, भारत आदिवासी पार्टी का जो गठन कुछ माह पूर्व हुआ है, एक साल पहले भी नहीं हुआ, 4 से 5 महीने पहले हुआ है, तो वो जो वोट बैंक है वो निश्चित तौर से कहां जाएगा? वो चुनाव वहां इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां भीम प्रदेश का की मांग है उनकी कि हमारा इन 27 सीटों को लेकर के एक संभाग बना दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा भीम प्रदेश अलग से गठन किया जाए। जो बहुजन समाज पार्टी हमेशा उससे बस्ती आई है, बस्ती इसलिए आई है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके की मांग करेगी तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय लीडर पर उसका प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसको बनाने का काम करेंगी। तो इसलिए जो छोटा राजनीतिक दल है उसने मांग कर दी कि नहीं साहब, हमें तो भीम प्रदेश चाहिए। अब भीम प्रदेश का न तो बहुजन समाज पार्टी समर्थन कर रही है, न भाजपा कर रही है, न कांग्रेस कर रही है। यदि 27 सीटों में से वो राजनीतिक दल जो अलग से नए प्रदेश का गठन कर रहा है और जो नेता जो हैं वो बड़े जो कांग्रेस और बीजेपी में भी रह चुके हैं, कई कई बार के एमएलए और एमपी भी हैं, यदि उन्होंने उस राजनीतिक संगठन का गठन किया है, यदि वो सैद लगा लेता कांग्रेस के वोट बैंक में, क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे तो लगभग कांग्रेस का यहाँ हमेशा रहा है। और 2013 से इसलिए गठन किया गया, मैं एक और बात बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पैठ बढ़ रही थी, 2013 में 3 सीटें और 2018 में 6 सीटें, 3 सीटें प्लस हो गई। तो भाजपा को यह लग रहा था और कांग्रेस को, दोनों को यह लग रहा है कि मुझे लगता है थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी यदि ज्यादा सक्रिय रहती है तो निश्चित तौर से वह नुकसान में होंगे। तो उन्होंने वही लोकल स्तर पर एक ऐसा कर दिया कि जिससे हम समर्थन ले सकते हैं या कह सकते हैं राजनीतिक भाषा में हम संगठन को तोड़ भी सकते हैं। तो जो सत्ता के नजदीक होगा, जहां लगता है कि 2-4-5 सीटें आगे पीछे हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने इशारा उधर किया है कि बीजेपी फिर सत्ता तक आसानी से पहुंच सकती है। प्रदीप जी, कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर के आक्रामकता दिखा रही है, लेकिन आप जो है अभी भी सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुत्व जो सॉफ्ट वोट बैंक को लेकर के, वो जो आपकी चाल है, रणनीति है, वो अभी आप उसी पर अटल नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से जैसे हमने कर्नाटक के चुनाव में देखा कि वहां पर आपने पूरी रणनीति बना ली थी कि किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को लाया जाए और कांग्रेस को घेरा जाए, क्या राजस्थान में भी ये नजर आ रही? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगभग सभी भाषणों में
वो सनातन धर्म का जरूर जिक्र करते हैं कि विपक्षी दल सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और ये आप लोग डिसाइड करिए राजस्थान के लोग। निश्चित तौर पे जहां पे भी कांग्रेस की सरकारें रहती हैं, देश की परंपरा को तोड़ने मरोड़ने के काम में वो पीछे नहीं होते। चाहे आप उत्तर पूर्व में देख लें, पूरी आदिवासी जो संस्था थी, जो उनकी आइडेंटिटी थी, उसको पूरा मिशनरियों को भेज के कन्वर्ट करके अपने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। और आप बताइए राजस्थान में, जितने सनातन है तब भी भारत है, और उसमें सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो मुद्दा है, जो बेस लाइन जो हमारे प्रचार का है, वो यही है कि भाई आप समाज को सुरक्षा कहाँ दे पा रहे हैं? अगर समाज सुरक्षित नहीं है तो सनातन सुरक्षित नहीं है, सनातन सुरक्षित नहीं है तो भारत देश सुरक्षित नहीं है। ये शब्दों के इनके चयन, कांग्रेस के जो शब्दों का चयन होते हैं, और हम जिस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं, उसमें आप बेसिक जो अंतर पाएंगे कि ये किसी अवसर को चूकते नहीं है। सनातन विचार, सनातनियों को अपमानित करने के लिए, उनके मंदिरों को, उनकी परंपराओं को, उनके त्योहारों को हानि पहुंचाने के लिए या नष्ट करने के लिए, है ना, ये कोई भी अवसर चूकते नहीं है। तो वैसे तो राजस्थान में एक परिपाटी भी रही है। हरगे जी तो कह रहे हैं कि जो हमने शैक्षिक संस्थान दिया उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पढ़ाई की, पले बढ़े, और आज उल्टा हमें गाली दे रहे हैं। वो तो ऐसा कह रहे हैं, उल्टा जो पढ़ाई जो 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 पढ़ाई उन्होंने पढ़ाई, उससे उसको उसको उससे बच करके हमने अपने सनातन मूल्यों को बजा के रखा, तभी तो आज उसको लड़ रहे हैं। कि आप जो है इतिहास को अपने हिसाब से रखा, एक परिवार को छोड़ करके कई और इतिहास, कोई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई दिखा ही नहीं। 5000 से ज्यादा बिल्डिंगे और सड़कें एक परिवार के लोगों के ही नाम पे बन गई इस देश में। क्या और स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे क्या? चलिए मानते हैं कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को फांसी नहीं हुई, किसी को कठोर सश्रम कारावास नहीं हुआ, लेकिन क्या केवल एक ही परिवार था जिसको किस कारावास हुआ और उन्होंने मिलकर आजादी दिलाई? अरे और भी तो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनके नाम पे क्यों नहीं हुआ? केवल जो करीबी थे, जो आपके झंडा ध्वजारोहण में साथ रहते थे, केवल उन्हीं को दिया? तो ये तो देखिए इतिहास की बातें। आज जो चुनाव वर्तमान समय में हो रहा है वो सुरक्षा और संस्कृति को लेकर निश्चित तौर पर रहा है। राजस्थान, रंगीला राजस्थान ऐसा रहा है। देखिए आप सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो भारतीय संस्कृति को देखने के लिए राजस्थान में आते हैं। अगर आप उसकी उसके इकोसिस्टम को अगर आप चेंज करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता इसका विद्रोह करेगी। कांग्रेस का बहुत पुराना शासन रहा है और हमारा भी वहां पे शासन रहा है। और एक चीज मैं यहाँ नोट मतलब स्पेशल इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि राजस्थान में एक परंपरा रही है, उस परंपरा को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, जिन प्रदेशों में एक बार आपकी एक बार हमारी चलती रही है, तो उत्तराखंड में हमने उस परंपरा को तोड़ा है। और कांग्रेस अगर इस स्थिति में चाहे कि वो वही इतिहास दोहरा सके राजस्थान में, तो ये संभव नहीं है। राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोग, राजस्थान के युवा ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका भविष्य किस पार्टी के शासन में आने में है। और मैं बार बार इस बात का मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि देखिए सारी चीजें साइड कर दीजिए, सारे वादे साइड कर दीजिए, सारी महंगाई, बेरोजगारी सब साइड कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस के शासन में आते ही एक जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है वो है समाज में सुरक्षा की बात और किन्हीं खास लोगों के मन के बढ़ने की बात। इनके आते ही उनका मन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप रकस क्रिएट करना जिसको कहते हैं, कभी सड़क पे, कभी किसी मोहल्ले में, कभी त्योहारों पे। कौन से वो लोग हैं? तो मैं ऋतु जी से पूछ लूंगा। जी धन्यवाद, आप पूछेगा उसका वो अच्छा जवाब दे सकेंगे, लेकिन ये सत्य है। और हमारे वो कुछ लोग कौन से हैं वो तो जरा आप बता दीजिए। अभी एक जयपुर में एमजी रोड पे या कुछ पे हुई, तो तुष्टिकरण, जिसको हम एक शब्द प्रयोग करते हैं तुष्टिकरण की राजनीति करना, और राजस्थान में कांग्रेस कितनी तेजी से उस पर्टिकुलर वोट बैंक को झपटने के लिए तुष्टिकरण के एक न एक नए नए उदाहरण पेश करती रहती है, आपसे हमसे छुपा नहीं है। चलिए ठीक है, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, आप केवल तुष्टिकरण की राजनीति कह रहे हैं। ऋतु जी, आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, अभी आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ही महिलाओं को कितना सम्मान देती है, वो नीतीश कुमार के बयान को लेकर के लगातार टारगेट कर रहे हैं और हर संबोधन में वो कह रहे हैं। मैं प्रदीप जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। कह रहे थे अभी कि सड़कों के नाम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं, हमारे एक कहावत है, सूप बोले को बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। अभी कल ही जो है वर्ल्ड कप का जो है मैच हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और वहां के चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी सर। ये तो इतिहास में, देश में पहली बार हुआ है कि जीते जी किसी ने अपने नाम से स्टेडियम बनवा लिया और फिर उसके उसमें चीफ गेस्ट बन के भी खुद ही चले गए।
तो ये जो नाम रखने वाले हैं तमाम तरह के जो है जीते जी अपने जीवित काल के समय जी, तो भारत रत्न भी दे दिया था नेहरू जी ने, यहाँ तो स्टेडियम किसी और ने बनाया है, इस पे बोलिए ना बहन जी। भारत रत्न, भारत रत्न जीते जी नेहरू जी ने रिकमेंड किया, नेहरू जी ने प्रस्ताव किया और नेहरू जी ने नेहरू जी को दे दिया। नेहरू जी ने क्या नेहरू जी को भारत रत्न नहीं दिया है क्या? नहीं बहन जी एक बात बताइए, क्या नेहरू जी ने नेहरू जी को भारत रत्न नहीं दिया है क्या? अगर गलत कहो तो बोल दीजिएगा। नहीं नहीं आप स्टेडियम पे आ गई, मैंने तो बस इतना पूछा कि क्या नेहरू जी ने नेहरू जी को भारत रत्न नहीं दिया है? मैं आपको बता रही हूँ ना, आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, ठीक है, कि इंदिरा गांधी के नाम पर जब जब भी कुछ बना साढ़े पांच हजार से ज्यादा, 5,500 से ज्यादा सड़कें, भवन, संस्थाएं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू और इसी के नाम पे हैं, 5,500 से ज्यादा इस देश में। अरे बहन जी ये पहले बता दीजिए कि क्या नेहरू जी ने नेहरू जी को भारत रत्न नहीं दिया था? नहीं क्या नेहरू जी ने, क्या नेहरू जी ने बोल दीजिए फिर आपने चुप हो जाते तो तमाम तरह का जो है इस तरह का झूठ जो है बीजेपी करो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे कांग्रेस में। सर मैं भूल गया योगेश जी, नीतु जी आपके वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपके ठीक करवा रहे हैं, आवाज आ नहीं रही आपकी क्लियर। राघवेंद्र द्विवेदी जी, लगातार ये कहा जाता है कि हमने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया, चौथे ने क्या किया, लेकिन आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या रोड मैप होगा, वो एक केवल खाका तैयार हो जाता है जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए। ये बता दिया जाता है कि हमने 10 पन्ने का 50 पन्ने का 100 पन्ने का एक मैनिफेस्टो तैयार किया है और हमारी सरकार बनी तो ये हम करेंगे, वो मैनिफेस्टो के जरिए बता दिया जाता है। और उसके बाद जब जनसभाएं होती हैं तो पूरी की पूरी जनसभा में जब संबोधित करते हैं नेता तो केवल इसी बात को कहने में वो पूरा टाइम निकाल देते हैं कि सरकारों ने, पिछली सरकारों ने क्या किया, इतिहास में फलाने की सरकार थी तो उसने क्या किया, वो ये नहीं बताते हैं कि हमारी सरकार भी जब इस राज्य में थी तो हमारी सरकार ने क्या किया, या अब हमारी सरकार आएगी आगे भविष्य में तो हम क्या करेंगे। योगेश जी देखिए, सबसे पहले तो घोषणा पत्र जो पार्टियां जारी करती हैं उनमें कुछ संशोधन करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस बात को भी गहनता से लेनी चाहिए। देखिए आप घोषणा पत्र जारी करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दो बातें आप पढ़ाइए कि घोषणा पत्र का देय तिथि क्या होगा। अगर मान लीजिए हम गोबर खरीदने की बात कांग्रेस का वादा मैं ले लेता हूँ कि 2 रुपया किलो गोबर खरीदूंगा, तो किस डेट से खरीदेंगे और गोबर का भुगतान कैसे होगा, ये भी होना चाहिए। मतदाता को यह भी पता होना चाहिए कि जो आप घोषणा कर रहे हैं वो पैसा कहां से आएगा, और दूसरी बात उसकी टाइम पीरियड क्या होगी। नहीं तो क्योंकि तो सरकार तो 5 साल ने कह रखा पहले से ही कह रखा कि भाई योजना आप लाएंगे तो आप बताएंगे कि आपके आय का स्रोत क्या होंगे, ये तो पहले भी कहा जा चुका है। नहीं अभी देखिए, अभी चुनाव आयोग ने उस पर बहुत स्पष्ट नहीं कहा है, अभी वो आधा अधूरा है, क्योंकि स्पष्ट बताना चाहिए पार्टियों को घोषणा पत्र में, स्पष्ट बताना चाहिए घोषणा पत्र में कि मैं जो करूंगा उसका बजट कहां से आएगा और टाइमिंग क्या होगी। क्योंकि अभी कांग्रेस ने देखिए कितना अच्छा घोषणा पत्र लाया कि मैं गोबर खरीदूंगा या बच्चों को लैपटॉप दूंगा या ओपीएस की बात करूंगा या स्वच्छता की बात करूंगा। चलिए ठीक है, देखिए जनता और मतदाता को चाहिए, मतदाता को चाहिए सुरक्षा, बहु बेटियों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, उसके बाद क्या चाहिए उसको, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, उसके बाद उसको शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, कृषि से संबंधित व्यवस्था चाहिए, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं है उसको पूरा कर दीजिए। अगर उसको आप पूरा कर देंगे तो मुझे लगता है कि दोबारा सरकार बनाने की या बदलने की जनता को जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की मैं अभी चर्चा कर रहा था, उत्तर प्रदेश में यही हालात थे 2012 से 2017 तक कि जनता त्रस्त आ गई थी। 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी को कहीं अंदेशा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल, और इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात आपने द्विवेदी जी। अखिलेश यादव जी का केवल दंगा, एक दंगा जो शब्द था उसको लेके सरकार बदल गई, ठीक है, ऋतु जी दंगा मुक्त हो गया। देखिए बीजेपी की दूसरी बार सरकार है। द्विवेदी जी रोकेगा आपको 10 सेकंड। हाँ ऋतु जी,
ऋतु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी जो है अभी मोदी जी का बयान आया है कि मैं किसी गरीब को लूटने वाले को छोड़ूंगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ये बताइए कि जिसने गरीब को लूटा वो तो उन्होंने गोदी में बिठा के रखे हुए हैं सबके सब, जितने भ्रष्टाचारी है सब मोदी जी की गोदी में बैठे हुए हैं। और जो सबसे बड़ा लूटने वाला है देश को है, सबसे बड़ा लुटेरा अडानी, वो तो उनका प्रिय मित्र है, उसके लिए तो सारा खेल हो रहा है। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात आ गई, तो जितने तमाम तरह के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले, वो भाजपा में बैठे हुए हैं, वो संसद में बैठे हुए हैं। ऋतु जी माफ कीजिएगा, ऋतु जी माफ कीजिएगा, समय नहीं है। नहीं, कौन सी पार्टी में कितने अभी बलात्कारी और हत्यारे आरोपी ये सब बैठे हुए हैं, केवल बीजेपी में नहीं है, सभी राजनीतिक दलों में है। और अब मुझे लगता है सभी को देखने की जरूरत है और खुद को पहले अंदर झांकना चाहिए और उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाना पड़ेगा, ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। फिलहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से राजस्थान का चुनावी रण छिड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस समर को जीत लिया जाए और सत्ता पर काबिज हो लिया जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी और वक्त बताएगा कि आखिर जनता किसके साथ जाती है और जनता राजस्थान किसके हाथों सौंपती है।